पीलीभीत जनपद उत्तर प्रदेश में चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। वहां उन्होंने 2.5 लाख रुपए का सोना चांदी व 80,000 का कैश किया चोरी। यहां तक नहीं, उन्होंने घर के बर्तन तक भी नहीं छोड़े। आपको बता दें कि कुंवर सिंह अपने ससुराल रक्षाबंधन अपनी पत्नी के साथ गए मनाने गए हुए थे। वहां पे खाली घर देख के चोरों ने किया हाथ साफ। आइए दिखाते हैं आपको वो खबर। मामला थाना कोतवाली पीलीभीत क्षेत्र के सिविल लाइन साउथ FCI गोदाम के पास का है। बताया जा रहा है कि कुंवर सेन के पिता पड़ोस की दुकान दूसरे मकान में रहते हैं। जब सुबह उन्होंने मकान का टूटा हुआ ताला देखा तो दंग रह गए। तभी उन्होंने अपने बेटे को चोरी की होने की जानकारी दी। जानकारी की सूचना मिलते ही कुंवर सेन अपने मकान पर पहुंचा, मामला देखकर पुलिस को लिखित प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर पुलिस ने मौका मुआयना करके अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। आपको बता दें कि त्योहार पर जो है कुंवर सेन अपनी पत्नी के साथ राखी बांधने गया था। आइए दिखाते हैं खबर। क्या नाम है आपका, कहाँ से है? कुंवर सेन, मेरा नाम कुंवर सेन है, मैं विक्की कॉलोनी पीलीभीत से हूँ। पता है क्या मामला है आपके यहाँ का? मैं हमारे यहाँ हम कल राखी को गए थे अपनी ससुराल, वहीं रात में रुक गए थे और जिसके बाद में ताले पड़े हुए थे हमारे यहाँ, तो मैन हमारा जो मैन गेट का ताला वो भी तोड़ दिया, उसके अंदर बाद में दूसरा ताला ये तोड़ दिया। उसके बाद में हमारा ये सेब का है, इसमें माला रखा था अंदर, ये सब तोड़ के हमारा ये सब ले गए 1.5 लाख का, उसमें जेवर सोने चांदी के दोनों आभूषण थे इसमें, और ये सब सामान नीचे वाला भी फैला के निकाल ले गए। अच्छे अच्छे मोटे पैसे भी रखे हुए थे इसमें, 30-35 हज़ार रुपये नकद रखा हुआ था, वो भी ले गए हैं। और उसके बाद में हमारा ये सब इधर भी सामान सब तोड़ दिया गया, ये भी सब लाकर वगैरह तोड़ती इसकी। इसके अलावा आपको सूचना कैसे मिली? हमें फोन गया था यहाँ से आपके यहाँ चोरी हो गई है, तो अब अभी हम ससुराल से जा रहे हैं। ठीक है, पुलिस को सूचना दी आपने? जी नहीं, अभी तो बिल्कुल आ पाया हूँ मैं यहाँ। ठीक है, अब यहाँ आने के बाद सामान देखा है तो उसके बाद तहरीर देंगे जाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।